कर्नाटक माइनॉरिटी वेलफेयर बजट, टू बी रिजर्वेशन, हिजाब, गुलबर्गा हज भवन, गुलबर्गा एयरपोर्ट से हज का सफर, इमाम और मौजन का हदिया और शादी भाग्य स्कीम के अलावा कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त शुरू की गई तमाम माइनॉरिटीज स्कीम को दोबारा स्टार्ट करने का मुतालबा कर चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल एडवाइजर बीआर पाटिल, नासिर अहमद और हज एंड म्यूनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान और केपीसीसीआई वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर खंडरे के जरिए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक को मेमोरेंडम सबमिट किया गया है। गुलबर्गा शहर से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और दीगर कई माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, उलमा इकराम, दानिशमंद हजरत, एडवोकेट्स और दीगर कई शहर के जिम्मेदारों ने मिलकर मशवरती इजलास किया और कुल 36 मुतालिबात के साथ एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया को भेज दिया है। इस तालुक से डॉक्टर असगर चुलबुल और दीगर जिम्मेदारों ने पत्रिका भवन में प्रेस मीट कर बताया, मेमोरेंडम के जरिए माइनॉरिटीज बजट में 10,000 करोड़ अलॉट करने, हिजाब, टू बी रिजर्वेशन के अलावा कुल 36 मांगों की लिस्ट तैयार कर चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया को भेज इम्प्लीमेंट करने की मांग की जा रही है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और सभी माइनॉरिटी एसोसिएशन, एनजीओ, उलमा इकराम, एडवोकेट्स, दीगर गुलबर्गा शहर की आवाम ने मिलकर डॉक्टर असगर चुलबुल की सदारत में इन तमाम मुतालिबात पर आवाज़ उठाई है। इस मौके पर डॉक्टर असगर चुलबुल के अलावा एडवोकेट जब्बार गोला, इंजीनियर मुश्ताक अहमद, अजीजुल्ला सरमद, अफजल महमूद, मौलाना कासिम अल जुलेदी और दीगर कई जिम्मेदार मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर, गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स। बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन, डिप्लोमा इन अरबिक। 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल गुलबर्गा ब्रांच के सारे कमेटी लोग, ये लोग आए थे मेरे पास, डॉक्टर मोहम्मद दस्कर चुलबुल साहब, उनके सदारत में डेलीगेशन आया था। इन्होंने सरकार की तरफ से कई मांगे सरकार को रखा है, तो माइनॉरिटी को 10,000 करोड़ बजट में प्रोविजन करने का भी मांग किया है, और 213 में जो डिक्लेयर किए थे शादी भाग्य योजना, वो तो शायद कंटिन्यू होगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगा, और 223 के चुनाव में जो भरोसा दिए गए थे उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, और टू बी मुस्लिम इस नीचे माइनॉरिटी को 4% जो बीजेपी सरकार छीन लिया था उसको वापस माइनॉरिटी कम्युनिटी को देने के बाद भी उसमें रखा गया है, और स्टेट में माइनॉरिटी महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहन के आने का जो पिछले सरकार ने बंद कर दिया था उसको फिर शुरू करने का भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, और 214 साल के वक्त के कैदे जो कंटिन्यू होना, ये भी उनका वक्फ मंडल है, जो आपकी तरफ से एक वक्फ बोर्ड को जो काबिल किसी को भी नॉमिनेट करने का भी बात रखा गया है, और माइनॉरिटी के लोगों को इस आयोग को जुडिशरी पावर देने का भी बहुत बड़ी बात कहा है, शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, और KMDC के लोन जो मंजूर होता है उसमें सही लोगों को मिला जाए, और MLA और MP जो सिफारिश करते हैं उसको बंद करना चाहिए, मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप एलिजिबल कैंडिडेट को देने की भी मांग किया है, और शादी भाग्य योजना में 50,000 के बजाय 1,00,000 जारी करने का भी मंजूर किया है, तो ये सारे बातें मैं CM साहब के साथ पास में रखूँगा और जितना हो सकता उतना मदद करने के लिए। आज हमारे असगर चुलबुल भाई गुलबर्गे से और पूरी टीम के साथ ऑल इंडिया मिली काउंसिल और साथ हमारे मन्नान भाई मेमोरेंडम दिए हैं, जिसमें माइनॉरिटी के इश्यूज पे पूरे पॉइंट्स लिखे दिए हैं। ऑलरेडी इसके बारे में हम CM से हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब, हमारे बेलारी के MP AAC के नासिर हुसैन भाई और हमारे नसीर भाई और हमारे पूरे MLA रिजवान भाई, आरिफ भाई, इस तरह से हमारे जब्बार भाई, पूरे माइनॉरिटीज के मिलके दिले CM से 2 बार मीटिंग हुआ है। ये जितने पॉइंट्स बोले हैं हिजाब के बारे में है,
और 4% के बारे में है और माइनॉरिटी का बजट बढ़ाने के लिए है। पिछली गवर्नमेंट में 1,000 करोड़ भी नहीं था, हम आते भी 6 महीने के बजट में भी इसी तरह में सब 1,500 करोड़ बढ़ा के दिए हैं और इस बार हम 5,000 करोड़ पूछे हैं। इसी तरह में सब प्रॉमिस भी करें कि मैं हर साल 2,000 करोड़ बढ़ा के पूरे 5 साल के अंदर 10,000 करोड़ रुपये करता हूँ बोल के हुगली में एक बेलगाम सेशन में भी पूरे भरे सभा में बोले हैं। मैं वो पूरा कमिटमेंट जो किया हूँ करता हूँ बोल के बच्चों का स्कॉलरशिप है, हज भवन गुलबर्गे में बहुत दिनों से डिमांड है, इंशाल्लाह इस बार हज भवन का भी काम होगा और जितने भी माइनॉरिटीज को लेते हुए स्कॉलरशिप है, लोन्स है और टैक्सी ड्राइवर है, भाग्यश्री है, तो इस बार बहुत नई नई स्कीम्स इंक्लूड किए हैं। अब उसमें कितने सेक्शन होते हैं 8 दिन में और मेरा भी कल सुबह बजट की मीटिंग है, मैं कल सुबह 11 बजे हज और म्यूनसिपाल्टी के सीएम से डायरेक्ट कल 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं अभी बेंगलुरु जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जितने मेमोरेंडम दिए हैं कल और टीचर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में वो भी चर्चा चल रही है और मौलाना आज़ाद स्कूल पहली बार 100 स्कूल पूछे प्राइमरी के 5th के ऊपर थे, अभी 5th के ऊपर जो है वो 100 प्राइमरी 100 200 नए स्कूल पूछे हैं और इस बार वो स्कूल मिलने वाले हैं। डिग्री कॉलेज पेशमा मौजद की सैलरी भी डबल करो बोले हैं, वो भी इंशाल्लाह हो गया और जो भी माइनॉरिटीज के डिमांड्स है वो पूरे होंगे इंशाल्लाह। आज ऑल इंडिया मेले काउंसिल की तरफ से मुझे एक निवेदन दिया गया है जिसमें अल्पसंख्यक लोगों का जो समस्या है खास करके कल्याण कर्नाटका एरिया में वो समस्याओं को हल करने के लिए और उनकी जो मांगे हैं जो भी न्यायुक्त मांगे बहुत दिनों से उनके पेंडिंग है तो वो मांगे पूरा करने के लिए हमारे अब्दुल मनन सेठ के साथ डॉक्टर हजरत चुलबुल साहब और हमारे पूरे साथी लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। सही मायने में अगर देखा गया तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही न्यायपूर्वक रिप्रेजेंटेशन है। आज कल्याण कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में कर्नाटक राज्य में जो अल्पसंख्यक लोगों की जो है ना सोशियो इकोनॉमिक उनकी परिस्थिति है अगर वो देखा गया तो सही मायने में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखें तो समीक्षा करें तो बहुत ही कष्ट में है। तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी है, उनको सरकार की तरफ से जो सहूलतें मिलना चाहिए चाहे उद्योग में हो चाहे शिक्षण में हो चाहे क्षेत्र में एक हम अगर देखें तो अल्पसंख्यक लोगों को कई जगह पे जो उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनको जो है ना सामाजिक न्याय मिलना चाहिए उससे वंचित हैं तो ऐसा लगता है। तो इससे उनकी जो भी मांगे हैं खास करके कलबुर्ग में 50 करोड़ की लागत से एक हज हाउस निर्माण करने का उनका मांग है, गरीब लोग जो भी हैं उनकी जो योजनाएं हैं पढ़ाई करने के लिए बच्चों को जो हमारे श्रम शक्ति है बच्चों का स्कॉलरशिप है यहाँ पर जो भी मुरारजी देसाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वस्ती निलय जैसे जैसे स्कूल्स हैं वस्ती शाला हैं उन वस्ती शालों में और भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ज़्यादा शाला कॉलेज रहना चाहिए, उनको उद्योग का जो है ना जो भी है वो देने के लिए उनको ज़्यादा प्राशस्त देने के लिए भी उनकी जो मांगे हैं बहुत से मांगे उन्होंने यहाँ पर दिया है सभी मैंने उनको मेरे तरफ से जो KMDC का लोन देने का योजना है गंगा कल्याण का योजना है स्वावलंबी योजना है शादी भाग योजना है शादी महल का योजना है सभी पूरे योजनाएं जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है फिर एक बार वो योजनाएं फिर प्रारंभ करने का और इस साल के बजट में आय व्यय में ज्यादा से ज्यादा अनुदान अल्पसंख्यक लोगों को देने का जो मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है तो वो देने के लिए उनकी मांग है। तो मेरे तरफ से भी एक कैबिनेट मंत्री के नाते और इस बार के कल्याण कर्नाटका के प्रतिनिधि के नाते मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी सभी जाति सभी भाषा सभी धर्म सभी प्रांत के लोगों को अपने साथ में लेके जाते हुए पूरा सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए खास करके जो पिछड़ा हुआ एरिया है कल्याण कर्नाटका एरिया को ज्यादा तवज्जो ज्यादा महत्व देके उनको
अनुदान देना बोल के तय भी हुआ है। तो हम आने वाले दिनों में जितने भी आपके जो रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर गौर करते हुए ज्यादा से ज्यादा सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मदद करने का प्रयत्न करेंगे। नम राज्य बजट मंडने मान्य मुख्यमंत्री अवरु मार्ते सदर्भली चुनाव प्रणाली साकष्ट मेनिफेस्टोली घोषणे मू सो अदू बजेट मंजूरी नीडी आ बजेट कनिष्ठ 10,000 मान्य सिद्धरामय्यजी 10,000 कोटि अल्पसंख्यात नाती अंत भरोसे आ भरोसे ना मत ने मन मातावी बजेट 10,000 कोटि अल्पसंख्यात अदरली बुद्ध जैन सिख ईसाई एला बंतरली 10,000 कोटि नीडंत ना मन मातावी जो ना नम मन मान्य बी आर पाटील जी और मुख्यमंत्री राजकीय सलहेगारे ना मन सल्दी जो हज पौदाड़ी संस्थे सचिव रहीम खान बीदरन खुद भेटी ना डेलीगेशन मन को केपीसीसी कार्याध्यक्ष अरण्य सचिव जिला उस्तुवारी सचिव बीदर सन्मान्य श्री ईश्वर खंड्रेजी नसीर अहमद राजकीय सलहेगार मुख्यमंत्री बेंगलूर ना खुद भेटीमी नम मन पत्र अलू सह नम बेड़े संपूर्ण समर्थी ना मुख्यमंत्री भेटीमी तम ऐन बेड़े ना मुख्यमंत्री खंडित बजेटली साकु निम्बनाक बेड़े ना अब संपूर्ण प्रयत्नमंत आश्वासन विशेषवा मूवत्नाक नम बेड़े विशेषवा 10,000 कोटी कलबुर्गी नगर तम नगर तम गए हज भवन ना मत दिविंग खमरुस्लाम 5 एकरे 10 गुंटे वन जमीन ना सरकार अल्पसंख्यात वत अलाटमेंट आगे सुमार 7 वर्ष आयु इनवरी हज भवन कटड़ सल ये प्रयत्न सरकार आगे सो ई वर्ष ना नम स्ट्रांग डिमांड 7 जिले कल्याण कर्नाटक हज और हज के हाँ मत विध विध देश के होता है अदरली नम भाग के वन हज भवन कनिष्ठ मोदले हंतनल्ली 50 कोटि नीडबेकंत नावु कोरिदेवे हागे जोते जोतेगे पेशमा मौजन गे एनवरु सरकार हदिया मुखांतर को अड्पट आगे मत जो अल्पसंख्यात आयोग के कैबिनेट दर्जे स्थानमान ऐन मान्य मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यजी और ऐन कोट जुडिशियल पवर् अदू वफ मंडली आक्ट 14 ऐन 2014 आक्ट अब मुंदू जो जो के एम डी सी साकु लोन अब मुंदू प्री पूर्व मैट्रिक नर मैट्रिक स्कॉलरशिप ऐन अब मुंदू अदर अनुदान कड़मे सो इस संदर्भली ना बजेट इन हेच्चिन अनुदान शादी भाग्य ऐन स्कीम अदू मुंदू अब मोदले 50,000 इत 25,000 सब्सिडी इत ना 1,00,000 50,000 सब्सिडी ना कोरिदे। प्रीवियस इलेक्शन इन 2023 यू मेड सम पोल प्रॉमिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन regarding the development of minorities. Number one, you have made promise to sanction rupees 10,000 crore for the overall development of minorities. I strongly requested your authority, Honorable Chief Minister of Karnataka, to consider in this next budget of 24-25. Number two, restore minorities welfare scheme approved
in the year 2013, like Shadi Bhagya scheme, and made sufficient funds to allocate sufficient funds for the development of the communities. Restore 4% 2B scheme, which is pending in the Honorable High Court, in the Honorable Supreme Court of India. On this regard, the government of Karnataka can take a decision by keeping this matter in the cabinet meeting and take a decision. Already matter is over, now the students are suffering. So I also request the dignitaries to take a decision as at the earliest. Number four, work properties to maintain the mismanagement in the work boards and corporations, that should be rectified. There is no transparency in the work. So I request Honorable Minister for Waqf and Minorities to consider this also. Our strong demand is to construct Haj Bhavan in Gulbarga, Kalburgi. It is a long pending demand from this region people. Our late Minister Khamrul Islam Sahab has already sanctioned 5 acres of land. So I request Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister to sanction rupees 50 crores for the construction of Haj Bhavan. One more demand, I would like to ask to our ministers, concerned ministers, to constitute Karnataka Urdu Academy, which is vacant from 3-4 years. Now government has come, full-fledged government has come to power. Hukumat Karnataka se minorities welfare ke liye unhone jo vaade hamare election manifesto mein kiye the usko bharpur karne ke liye hum ek memorandum ke zariye ye patrika goshti yahan pe munaqid kiye hain aur hukumat ke tamam hamare ilake ke wazir Ishwar Khandre sahab, Rahim Khan sahab और मुख्यमंत्री के जो है सलेगार हैं बीआर पाटिल साहब और नसीर खान साहब, इन तमाम लोगों को हमने ये मेमोरेंडम पहुंचाया है और हुकूमत से हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे जो ये लेजिटिमेट डिमांड्स हैं उसको जल्द से जल्द आने वाले बजट में इंक्लूड करके माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए काम करें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.